हेलो, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज आपको घुमाते हैं, कोई अच्छा सा जगह लेके चलते हैं आपको, और कोई बढ़िया सा हिल व्यू का दृश्य आपको दिखाते हैं। चलो बने रहिएगा वीडियो में और लीजिए खूबसूरत जगह का आनंद। और अभी पहुंचने वाले हैं घोड़ा चौक, तो जो रास्ता निकलेगा वो घोड़ा चौक से ही जाएगा। और अब हम घोड़ा चौक पहुंचने वाले हैं और यहीं से सहस्त्रधारा के लिए, जो इधर निकल जाता है सहस्त्रधारा रास्ता निकल जाता है, और एक रास्ता यहाँ से जाता है लांघा रोड से होते हुए। आप यहाँ से ऋषिकेश एयरपोर्ट भी लगता है इस रास्ते में, और स्पोर्ट कॉलेज है यहीं पे पास में ही। इसी रास्ते पर ही स्पोर्ट कॉलेज पड़ता है जिसका नाम महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज है। और आगे चलकर इसी रास्ते पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। तो चलो आज आपको पहले राजीव गांधी जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वह दिखाते हैं। और उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हुए हैं और लोकल मैच तो उसमें होते ही रहते हैं। चलो आज आपको दिखाते हैं बाहर से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नज़ारा कैसा है। और फिलहाल अंदर तो जाने की परमिशन शायद अभी नहीं होगी, तो चलो आपको दिखाते हैं। और ये जो आपने भी देखा, यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज है जहाँ पर बच्चों को कोचिंग दी जाती है। और ये रास्ता सीधा स्पोर्ट कॉलेज और इधर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी ये रास्ता निकल जाता है। और यहाँ से आप इधर से होते हुए ऋषिकेश भी पहुँच जाएंगे, और इस रास्ते में इतनी भीड़ भी नहीं होती। तो अगर आपको हरिद्वार और ऋषिकेश जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते पर भीड़ नहीं है और रास्ता बहुत साफ़ सुथरा है। और यहाँ से जो हिल व्यू बहुत अच्छा आता है, और इस रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे गांव भी लगते हैं। आगे बहुत ही अच्छा व्यू इस रास्ते पर आता है, और एक आपको जाम की समस्या नहीं मिलेगी अगर आप सिटी से निकल रहे हैं। अगर आप तो वहाँ से आपको जाम की समस्या मिलती है, पर इधर जाम की समस्या नहीं होती। अगर आप मसूरी से आ रहे हैं तो आप इसी रास्ते से सीधे बाहर बाहर आप सिटी से बाहर ही आप इस रास्ते से निकल जाएंगे। सहस्त्रधारा, आप मसूरी से सहस्त्रधारा होते हुए आप इस रास्ते से निकल जाएंगे। और चलो अब आपको यहाँ से रास्ता सीधा स्पोर्ट कॉलेज उस पर जाता है, क्रिकेट स्टेडियम पर ये रास्ता यहाँ से जाता है। और काफ़ी दिन पहले यहाँ पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी हुआ था। उसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच तो नहीं हुआ, पर जो लीजेंड सीरीज चलती है तो वो उसके मैच यहाँ पर होते हैं। तो ये देखिए, ऐसा इस स्टेडियम का बाहर से ऐसा व्यू आ है, ऐसा नज़ारा है बाहर से। अंदर जाने की परमिशन तो फ़िलहाल नहीं है, गेट अभी क्लोज है। और अब यहाँ से निकलते हैं, और अब आपको लेकर चलते हैं माल देवता, और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और रास्ते में ये नेचुरल पानी का स्रोत यहाँ पर है, और यहाँ पर लोग बहुत नहाते हैं और घर के लिए अपना पानी भी लेकर जाते हैं पीने के लिए। बहुत अच्छा इस पानी का टेस्ट आता है, नेचुरल पानी है। और जब भी हम इधर आते हैं तो यहाँ पर पानी पीकर जरूर जाते हैं। और जिस जगह हम रुके हुए हैं, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता धनोल्टी निकल जाता है और एक रास्ता यहाँ से मसूरी भी निकल जाता है। और ये देखिए, जो एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, ये रास्ता धनोल्टी चंबा निकल जाता है ऊपर। ये रास्ता टिहरी झील और धनोल्टी कद्दूखाल, इधर चंबा निकल जाता है। और अब पहुंच गए हैं फेमस जगह जो है, जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। और अगर आपको बहते हुए पानी में नहाने का, एंजॉय करने का शौक़ है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आकर खाना भी अपना यहीं पर बनाते हैं, जो मैगी वगैरह और बनाते हैं और चाय वगैरह बनाकर यहीं पानी में बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। तो बहुत फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं।
वही देखिए यहाँ का आसपास का नज़ारा ऐसा है, और पानी भी बहुत ठंडा पानी बहता है। और नेचुरल अगर आपको मज़ा लेना है तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, और यहाँ पर खाने का आनंद लिया जा रहा है। और ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह है, और ये देखिए कितना नेचुरल साफ पानी बह रहा है, और ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। अगर आप इधर आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहते हुए पानी में बहुत ही एंजॉय करने की जगह है। पर आने से पहले देख लीजिएगा कि मौसम साफ होना चाहिए, बरसात में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। और बहुत रंग बिरंगे पत्थर यहाँ पे निकलते रहते हैं, और आसपास का वातावरण भी और जो नेचुरलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर भरपूर है। बहता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ऊपर की साइड लोग खाना भी बना रहे हैं, यहीं से लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठी करके लोग खाना भी बनाते हैं। और डुगू ने तो आज यहाँ पर बहुत मस्ती की है, पानी में खेलने का आनंद ही अलग है।